गाइस नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज थर्सडे है, अभी इवनिंग के 7:15 बजे है, अभी भी हबी नहीं आए। अभी उनका फ़ोन आया था तो भाई नाश्ते पे मैं लेके आऊँ, आज बाहर से लेके आ रहे हैं नाश्ता, भाई क्या खाएंगे करके बोल रहे थे, समोसा लेके आऊँ। तो काजल के लिए समोसा लेके आ रहे हैं और मेरे लिए वड़ा पाव लेके आ रहे हैं। मैंने बोला मैं वड़ा पाव खाऊंगी, काजल को बोला तू मेरे को समोसा खिलाना और मैं तेरे को वड़ा पाव टेस्ट करा रही हूँ, दो दो चीज़ें टेस्ट करेंगे। तो अभी लेके आ रहे हैं नाश्ता, निकले हैं शॉप से, नाश्ता तो लेके आएंगे, घर में नहीं बनाना है, आज फ्री बैठी हूँ। और आंटी भी काम करके गए, नींद में से उठी, चाय पी, मैंने कप की, रेडी होके बैठी हूँ। और आज घर भी एकदम मेरा जैसे सुबह में मैंने क्लीन किया है वैसा ही क्लीन पड़ा है, कुछ भी मैसी नहीं है। नहीं तो नींद में से उठ के मुझे ऐसा लगता है बेडशीट थोड़ा फिट करनी पड़ती है या थोड़ा कभी मैसी होता है घर तो वो देखना पड़ता है, लेकिन आज तो बिल्कुल जैसे बेडशीट भी वैसे की वैसे पड़ी है और घर भी क्लीन पड़ा है, ना कुछ मैसी, यहाँ की चीज़ें वहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर उठ के बैठी थी अभी फ्री, अभी एक रील शूट किया मैंने, अभी तो उल्लास नगर में बोल रहे हैं शॉप्स 9 बजे तक खुले हैं, आज से चालू किया, आज 15 अक्टूबर है, आज ही चालू किया है, बोल रहे हैं रात को 9 बजे तक खुले। बाकी होटल्स वगैरह तो सब 9 बजे तक खुले रहेंगे, रेस्टोरेंट हो, मॉल हो, सब खुल रहे, सिनेमास भी बोल रहे खुले हैं। मैं जाऊँगी, हो सका तो रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्यों तो 20 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है तो उस दिन मैं जाऊँगी बरोबर रेस्टोरेंट में। और अभी तक मैं शॉपिंग करके नहीं आई हूँ, इनको काम की से फुर्सत नहीं मिली है अभी, वैसे भी रेडीमेड है, मैंने बोला जब भी टाइम मिले आपको जब भी चलेंगे। और अभी 4 दिन परे 20 अक्टूबर में जाएंगे तो देख के आएंगे कैसे लेके आ रही हूँ, वेस्टर्न्स लेके आ रही हूँ या जो समझने में आया लेके आऊँगी, जो पसंद आ गया वहाँ से देखती हूँ। ऑनलाइन तो ये बार तो मेरे से नहीं हुआ वेस्टर्न, क्यों तो जहाँ से हम लेते थे तो वो साइट अभी बंद हो गई ना, बाहर से शीन से परचेस करती थी मैं, वहाँ की तो वेराइटी मुझे बहुत पसंद थी, वहाँ के टॉप्स वगैरह जो भी बहुत सारा कुछ समझ में आ जाता था वहाँ से ले, इतने अच्छे थे, लेकिन ऐप ही बंद हो गया, अभी बैन हो गया, तो वहाँ से अभी ऑनलाइन नहीं समझने में आ रहा है इतना। मिंत्रा में भी मैंने देखा, लेकिन मिंत्रा में भी तो मिडीज़ की तो मेरी तो लेंथ हाइट छोटी है तो उस हिसाब से मुझे नहीं समझ में आया, कल को मैं मंगा लूँ फिर वो मुझे हाइट बराबर ना आए, लेंथ ऐसे लंबी हो जाए, मैक्सी ड्रेस हो जाए मेरी मिडी, तो फिर नहीं समझ में आया मुझे। मिंत्रा से कुर्तीज मैंने बाय की है पहले भी, कुर्तीज़ की बहुत अच्छी वैरायटी है, वहाँ पे भी कुर्तीज़ बाय की है मैंने, एक गोल्डन कलर की है मेरे पास, वो पहनती वो टाइम पे मैं थोड़ी स्लिम थी तो वो मुझे बहुत लूज़ हो रही थी तो फिर वो मैंने अल्टर कढ़ाई थी। कुर्तीज़ का ये बेनिफिट है अगर बाय करते हैं अपना अच्छे से क्लोथ मेजरमेंट करके, फिर भी चलो ठीक है लूज़ थोड़ी हो भी गई तो वो अल्टर हो जाती है, वेस्टर्न में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ब्लड टेस्ट भी आज करवाया, रिपोर्ट भी अभी लेके आए अपने साथ, आए तो देखूँ, आज सुबह में ही ब्लड टेस्ट वाला आया था घर पे, मैं घर पे ही बुलाती हूँ, वहाँ पे कराने नहीं जाती हूँ टेस्ट, क्यों तो एक तो फर्स्ट फ्लोर पे है, फिर सुबह सुबह में मेरे से होता नहीं है निकलना, मैं तो बोलती हूँ घर में ही मैं टेस्ट कराऊँ, हमेशा शुरू से ही घर में ही हबी बुलाते, तो नाश्ता तो हो जाएगा लेके आएंगे हबी, उसके बाद मिल्क पीऊँगी, फिर अटेंसिस लगाऊँ, फिर रात के खाने की सोचेंगे, डिनर में क्या खाएँगे, आज पूछा नहीं है हबी से, आएँगे तो तब भी उनसे पूछती हूँ भाई क्या खाएँगे, तो सोच के दोनों बताओ काजल और हबी दोनों डिसाइड करते हैं क्या खाना है, तो उस हिसाब से बनाऊँगी, देखते हैं फिर रात को क्या बनाते हैं खाना, अभी तो इतना काम नहीं है इवनिंग में, बस अटेंसेस ही लगाने हैं, आंटी भी अभी थोड़ी देर पहले ही काम करके गई, अभी गीले होंगे थोड़े सूख जाए तो फिर बाद में लगाती हूँ किचन में। तो गाइस अटेंसेस मैंने लगा दिए, बाकी रात के डिनर की तैयारी करनी है, अभी आएंगे, अभी रात के 9 बजे है अभी, आज तो शॉप खुला हुआ है, नहीं आए, नाश्ता लेके आए हमारे लिए, बोले आज तो शॉप खुला हुआ है हमारा,
तो 9 बजे आएंगे, तो अभी निकले होंगे, आ जाए तो फिर देखते हैं क्या डिनर बनाना है, आएंगे तो पूछूंगी उनसे। तो गाइस अब मैंने कप का नाश्ता खा लिया है, तो अभी बैठी थी थोड़ी देर, अभी भी आए हैं तो आ गए, तो थोड़ी देर बैठे थे हम, मैंने कपड़े भी डाल दिए वॉशिंग मशीन में, घूम रहे कपड़े भी वॉश हो रहे हैं और अटेंसेस भी लगा लिए, पूरी तैयारी कर ली है, बस ओनली अभी डिनर ही बनाना है। तो डिनर से पूछा मैंने अभी से क्या खाएंगे आज, तो बोले मूंग और रोटी बना, सिंपल ही बना, क्योंकि तो इवनिंग में भी अभी इन्होंने भी खाया था वड़ा पाव, तो बोले रहे अभी बेसन हो गया, अभी थोड़ा सिंपल बना कुछ, मूंग और रोटी ही बना। तो आज डिनर में मैं मूंग और रोटी बनाऊंगी, पूरा किचन अटेंसेस मैंने लगा दिए, किचन मेरा रेडी है, मैंने पूरा पोंछ लिया है, साफ कर लिया। सो गाइस मूंग मैंने डाल दिए, खाली आटा गूंथ के अभी रोटी ही बनानी है, पूरा काम हो गया है मेरा, फटाफट बन जाएगा। सो गाइस अभी रात के 12 बजे हैं, खाना तो मैंने डिनर खा लिया था कब से, 10:30 बजे खा लिया था हमने जल्दी, बिग बॉस भी देख रहे थे और खाना भी साथ में ही खाया, तो मूंग और रोटी थे फटाफट बन गए, मुझे टाइम नहीं लगा, जल्दी जल्दी बना लिया खाना, 10:30 बजे खा के फिर बिग बॉस देख के, अभी 12 बजे तक चल रहा है, 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक बिग बॉस, ये टाइम पर फ्री होती हूँ 12 बजे बिग बॉस पूरा देख के, उसके बाद अभी मैं चेंज करूँगी और चेंज करके फिर
टेबलेट लेके काजल मिल्क देगी, मिल्क पी के फिर सो जाऊंगी। सुबह में वैसे भी अभी 8:15 उठ रही हूँ, इनका शॉप 9 बजे चालू हो रहा है और रात को 9 बजे तक है। हो सकता है अभी सुबह में लेट खुले, देखते हैं आगे चल के कैसे टाइम टेबल मेरा हो रहा है। अगर ये लेट जाएंगे तो मैं भी थोड़ा लेट ही उठूँगी, टाइम टेबल चेंज होने वाला है, सब सडनली सब चेंज हो रहा है टाइम, तो मेरा रूटीन भी जैसे इनकी वजह से रूटीन भी चेंज हो जाता है, जैसे इनका टाइम होता है शॉप का उस हिसाब से मेरी रूटीन भी चेंज हो रही है। तो अभी बस मैं तो आज तो एकदम रिलैक्स बैठी थी, ये भी 9 बजे आए शाम को ऐसे बैठ के, फिर बोर हो रही थी, अभी आदत पड़ गई है। पहले लॉकडाउन में पूरा दिन घर थे, थोड़ा टाइम गए काम पे तो भी घर अच्छा नहीं लग रहा था, अभी ऐसा लग रहा है 7 बजे आ जाते थे, अभी रात को 9 बजे आएंगे तो वो भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा दिन मुझे भी एडजस्ट होने में लग जाता है कि तो चेंजेस हो रही है ना लाइफ में। तो जैसे इनकी वजह से मेरा भी रूटीन फिर चेंज होता रहता है, अगर ये लेट जाएंगे तो मैं भी थोड़ा लेट उठूंगी, जल्दी आएंगे तो फिर देखते हैं, फिर तो वो आएंगे तो फटाफट 1 घंटा रख के खाना खा लेते हैं 10:15 बजे, कैसे कभी लेट हो जाती है, कभी क्या अभी तो 10:30 बजे खा रहे हैं, बिग बॉस के टाइम पे ही बोल रहे हैं खाना दे तो वो टाइम पे ही बैठ रहे हैं। तो इनके जैसे इनका शॉप का रूटीन होता है वैसे मेरा चेंज हो जाता है, घर का भी रूटीन चेंज हो रहा है। तो अब मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट and share my video with your family, friends and relatives, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. जैसे ही मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, और जो भी इस ब्लॉग में न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे पहले वाले ब्लॉग भी देखना, और अच्छे लगे तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज एंड माई चैनल टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। Bye-bye all. Take care. Love you all.